जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबियांग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ट्रोहा और आप देख रहे हैं NN वार्ता करबियांग नॉर्थ ईस्ट। पूरे असम को काती बिहू के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयां। बिहू असम के लोगों का प्रमुख पर्व है। इसमें सभी जाति के लोग शामिल होते हैं और बड़े उत्साह के साथ तीन तरह के बिहू मनाए जाते हैं, जो तीन शक्तियों के प्रतीक है। पहला बिहू, जिसे बोहाग बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं, अप्रैल में चैत्र या बैसाख में मनाया जाता है। यह असम का मुख्य पर्व है। उसके बाद आता है काटी बिहू, जो कि आज है, या कंगाली बिहू भी कहते हैं। यह कार्तिक महीने अक्टूबर में मनाया जाता है। इसके बाद मनाया जाता है माघ बिहू। यह मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। मूल रूप से असम के लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कृषि से ही करते हैं और मुख्य फसल धान है, इसलिए सारे पर्व भी किसानी और खेती से जुड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं काती बिहू की, जिसे कंगाली बिहू कहा जाता है। यह सामान्यतः अक्टूबर में मनाया जाता है। असमिया लोग अर्षाद श्रमवान मास में धान की खेती करते हैं। अश्रविन के अंत में यह धान पकर सुनहला स्वरूप ले लेता है। प्रकृति पर निर्भर किसान खेती की लक्ष्मी उपज को सादर घर पर लाने के लिए तैयार होता है और अश्रवण कार्तिक की संक्रांति के दिन उपज की मंगल कामना से खलिहान एवं तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके उनके नियमों का पालन करता है। इसे ही काती बिहू कहते हैं। बिहू के दिन किसान के खलिहान खाली रहते हैं, इसलिए यह महफूज या उल्लास का पर्व ना होकर प्रार्थना व ध्यान का दिन होता है। क्योंकि कोई फसल काटने का यह समय नहीं होता, इसलिए किसान के पास धन नहीं होता, परंतु इसका प्रयोग ध्यान आदि कार्यक्रम में किया जाता है, इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। युवक और युवतियाँ मितव्य करना भी इस पर्व के माध्यम से ही सीखते हैं। धान के खेतों में महालक्ष्मी की प्रतिमा पर एक माह तक प्रत्येक रात दीपक जलाया जाता है। तुलसी के पवित्र पौधे को घर के आंगन में लगाकर उसे जल अर्पित किया जाता है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि उनकी फसल अच्छी हो और उनका जीवन सुखमय हो। असम या पूर्व भारत के लोगों को अगर छोड़ दे या यहाँ से जैसे जैसे आप पश्चिम, उत्तर या दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, उनकी नज़रों में बिहू का मतलब आता है। कुछ लड़के और लड़कियाँ रंग बिरंगे सुंदर पारंपरिक कपड़े पहनकर लोग दायरे में ढोल और पेपा की धुन पर नाचना गाना। दरअसल मौज मस्ती का दूसरा नाम ही बिहू है। यह किसी हद तक सत्य भी है, लेकिन असम में तीन बिहू मनाए जाते हैं और तीनों का कृषि और प्रकृति के साथ इतना गहरा नाता है कि जानने पर वहाँ के लोगों की तारीफ करने का मन करता है। शायद यही कारण है कि आज भी असम के लोग अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर गर्व और बेझिझक कर अंगीकार कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के एक पर्व का नाम है काती बिहू। यह वास्तव में उत्सव का नहीं बल्कि प्रार्थना का पर्व है। तो ये थे काती बिहू के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। मिलते हैं नई खबरों के साथ, देखते रहिए NN वार्ता करबियांगलोंग नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।